शहादत पेश करके जो हमें जीना सिखाया है, तुम्हारी दास्तान ने तो हमें यकजा बनाया है। लहू से दीप जो तुमने शुजात का जलाया है, हम इसके नूर से दहशत की जुल्मत को मिटाएंगे। 16 दिसंबर को सफाक दहशतगर्दों ने कौम के दिल पर वार किया। हाथों में कलम और किताबें पढ़ने की लगन, रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में लिए मासूम बच्चों पर दहशतगर्दों ने सफाकाना वार किया। वाकई की अलमनाक यादों की कसक आज भी दिलों में महसूस होती है। मासूम फरिश्ता सिर्फ बच्चों की अजीम कुर्बानी ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। हौलनाक सानहे की याद में आज मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात मनाई जा रही हैं। सानहे पेशावर के शहदा की याद में मरकजी तकरीब आज आर्मी पब्लिक स्कूल में मुनक्किद हो रही है, जिसमें वजीर आजम, आर्मी चीफ, चारों सूबों के वजरा, इमरान खान, आला सिविल व अस्करी क्यादत और शहदा व गाजी बच्चों के वालदैन शिरकत कर रहे हैं। तकरीब में स्कूल के ऑडिटोरियम और शहदा की यादगार का इफ्तिताह किया जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा की याद में दूसरी बड़ी तकरीब सूबाई हुकूमत की जानिब से आर्काइव्स लाइब्रेरी में होगी। तकरीब में आर्काइव्स लाइब्रेरी को शहदा के नाम से मंसूब किया जाएगा। पिशावर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। शहदा के साथ इजहार अकीदत के लिए रैलियां भी निकाली जाएंगी। पंजाब के तालीमी इदारों में तातील है और सानहे पिशावर की मुनासिबत से प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। कराची समेत सिंध के निजी और सरकारी तालीमी इदारे आज बंद हैं। सिंध असेंबली में भी शहदा की याद में शमें रोशन की जाएंगी। बलोचिस्तान में भी आज आम तातील है। आखिरी हद तक हम उस दुश्मन